हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेड को कैसे क्लियर करना है, बेसिकली ये आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि आप सभी सीटेड को अच्छे नंबर से कैसे पास कर सकते हैं। एंड आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको कैसे सही कर सकते हैं अपना खुद का दिमाग यूज करके। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उसे 100% एक गारंटी है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर निकलेगा। बट कुछ इसके साथ चीजें आपको फॉलो करनी होगी, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ है टैग वर्ड्स, तो वो आपको अगर अभी तक नहीं मिला है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि विदाउट टैग वर्ड्स आप जो है कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व। बिकॉज आपको पता है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम में आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, आपको पता ही है। अब आपको एकदम टू द पॉइंट वाली चीजें नहीं मिलेंगी, कोई भी थ्योरी है, चाहे वो पियाजे हो, कोलबर्ग हो, वाइगोस्की हो, इन्हीं की थ्योरी से आपको हर एक सब्जेक्ट में, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब में इसी से लैंग्वेज को मोल्ड करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसे आप जो है 100 एबव नंबर लेकर आए, 130 प्लस नंबर लेकर आए, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हुई है, फिर भी ये वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी सही है या नहीं है। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहां से आपको सीटेट को क्लियर करने की इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, साथ में क्लासेस लेती हूं मैं अपने खुद के नोट्स शेयर करती हूं टेलीग्राम पे, और पढ़ाया भी है मैंने जीन पियाजे वाइगोस्की, कल मैं कोलबर्ग भी पढ़ाने वाली हूं, तो आप लोग वो भी जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि मैंने वहीं से अपनी तैयारी की थी सीटेट के टाइम पे। तो चलो देख लेते हैं, सबसे पहले टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन ट्रिक क्या है, सीटेट को पास कैसे करना है, और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन हॉल में, सो दैट आप कोई भी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको उसके पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट दिया जाता है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या फिर अभी तक आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको एंड स्क्रीन पे एक वीडियो मिलेगा जो कि मैंने खुद आपको सेम एज इट इज जैसा होता है एग्जाम में वैसा ही मैंने सेम उसी तरीके से किया हुआ है, आप वो जरूर देखना, तो आपके मन से एक डाउट खत्म हो जाएगा कि पेपर को कैसे देना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना है, और ये तैयारी आपके खुद के घर की होगी। आपको अपना, देखो हर इंसान का अपना खुद का एक स्केड्यूल होता है, उसको कैसे सारी चीजें मैनेज करनी है, कैसे स्ट्रेटेजी उसकी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं तो मैंने अपने पहले से ये अपना माइंड जो है सेट कर लिया था कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में मतलब एक ऑर्डर में चलना है, जैसे कि 1 से लेकर 150 तक मुझे सफल नहीं करना था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पहले मैं एक से एक नंबर से मतलब 1 से 150 तक कर लूं, उसके बाद से जो चीजें मुझे डाउट में थी सब मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। तो सेम आपको भी अपना खुद का एक ऑर्डर बनाना है, ये आपका कॉल है, आपको कैसे करना है, आपको सफल करना है या नहीं। या फिर बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो उनका सबसे अच्छा स्ट्रांग होता है, जैसे कि कुछ लोग हिंदी को पहले कर लेते हैं क्योंकि इसमें पैसेज आता है, कुछ लोग इंग्लिश को पहले कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप ऊपर देखना स्क्रीन पर, मैंने दिखाया भी हुआ आपको, आप उसको तुरंत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैथ कर लीजिए पहले, हिंदी कर लीजिए, या फिर आप एक ऑर्डर में 1 से लेकर 150 तक भी कर सकते हैं। उसके बाद से देखो आपको क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली। लेकिन आप घर से ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि आपको कैसे करना है, वहां पर जाकर अपना खुद का एक नया इन्वेंट मत करना कि चलो पहले ये कर लेते हैं, नहीं, जो चीज आपने ट्राई की है वही करना है आपको। दूसरी चीज, ऑनलाइन ट्रिक क्या है, आखिर में कैसे आप जो है क्वेश्चंस को, अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप कर सकते हैं। देखो ऑफलाइन में ये होता था ना कि आपके सामने पूरा पेपर सामने रहता है और हम उसमें क्या करते हैं, अपना अंडरलाइन कर देते हैं, पैसेज पे जो भी चीज हमें लगती है डाउट में उसको गोला भी बना देते हैं, बट ऑनलाइन में आपको कुछ भी, सब कुछ क्या है, स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको एक ट्रिक काम आएगी कि देखो, चार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चार ऑप्शंस होंगे एक क्वेश्चन के। अब उस चार में से आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दो सही लग रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा दो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि चारों के चारों ही आपको एक सा लग रहा है कि पता नहीं कहां से पूछ लिया। उस टाइम पे आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे समझना, यही ऑनलाइन ट्रिक है जिससे मुझे भी हेल्प मिली थी। मैंने जब भी मुझे कभी कभी तो मैं क्या करती थी कि अपने ऑप्शन से ही आंसर अपना ऑप्शन से भी निकल जाता है, क्योंकि आप देखो ना कि चार ऑप्शंस लिखा रहता है तो चारों में से आपको ये देखना होगा कि चारों में से तीन एक जैसा मिलेगा, एक आपको अलग मिलेगा, तो वो अलग वाला जो होता है ना डिफरेंट, बट यस याद रखना हमको क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट पे जाना है, क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा है उसी हिसाब से आंसर देना है। जैसे कि जल्दीबाजी में क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिया है फिर आपको तो नहीं समझ में आएगा, तो एक सेकंड का पॉज लेना और देन आप दोबारा से क्वेश्चंस पढ़िए, और क्वेश्चंस में देखिए आखिर में उसका जिस्ट अगर एक बार आपको मिल गया कि यस इसकी बात हो रही है, तुरंत ऑप्शंस में आओ,
ऑप्शंस को टिक कर दो। दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ ट्रिक, नहीं आ रहा है तो टैग वर्ड्स मैंने हर एक सब्जेक्ट का कराया है, उस टैग वर्ड से आप जो है आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये पूछा है कि बच्चों से रिलेटेड कोई चीज है तो आप इसमें से क्या नहीं करोगे, तो नहीं वाला आपको ऑप्शन मिलेगा कि कंठस्थ करना, स्मरण करना, और उसके अलावा सारे पॉजिटिव होंगे। तो देखो आप आराम से क्या करोगे, टैग वर्ड्स की मदद से अपना आंसर निकालोगे। हमेशा याद रखना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चार ऑप्शंस हैं, तो उसमें सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट करने से क्या होगा ना कि आपका राइट आंसर अपने आप बाहर निकल आता है। अगर आपको चारों ऑप्शंस नहीं पता है बट फिर भी आपके अंदर एलिमिनेट करने वाली एबिलिटी है, देन यू कैन फाइंड योर आंसर। कैसे? देखो चार ऑप्शंस दिया हुआ है, चार में से सपोज दैट कि क्वेश्चन पूछा है कि आप एक टीचर हो स्कूल में, वहां पर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, तो अपनी क्लास में क्या चीजें करोगे, एक्टिविटीज, तो चार ऑप्शंस आपको ऐसा मिलेगा ना कि नहीं ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो धीरे धीरे आप काटेंगे और लास्ट में एक आंसर अपने आप निकल आता है बाहर। तो ये सारी ट्रिक्स आपको भी करनी है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। याद रखना ऑनलाइन ट्रिक, सबसे पहले टैग वर्ड्स का यूज करना है। दूसरी ट्रिक क्या है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, खुद की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए घर से ही, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट में जाना है, पॉजिटिव में पूछेगा तो पॉजिटिव में आंसर देना है, नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव में आंसर देना है, ओके। उसके बाद से आपको क्या करना है, पैसेज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसेज 15 नंबर का हिंदी में भी पूछता है एंड पैसेज जो है आपका इंग्लिश में भी पूछता है। देखो पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे ना कि मान लो पैसेज आपके सामने दिया है तो आप जो है स्क्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये होता था कि आप अंडरलाइन कर रहे हो, गोला बना दे रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, बट पैसेज में ऐसा नहीं होगा। उसको मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया था। सबसे पहले मैं क्या करती थी कि पैसेज एक क्वेश्चन मेरे सामने दिखा तो मैं तुरंत स्विच करके मतलब सेव एंड नेक्स्ट कर देती थी और एक और क्वेश्चन पढ़ लेती थी। आपको एक पेज में मिलेगा, उस पेज में मैं अपना कीवर्ड्स नोट कर लेती थी, क्योंकि हम तो सब कुछ अपना उस पेज से ही कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का कीवर्ड मैंने नोट कर लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने कीवर्ड नोट कर लिया, उसके बाद से मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट करती थी। इससे क्या होता है कि एक बार में पैसेज पढ़ना है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपके दो क्वेश्चंस के आंसर एक साथ मिल जाएंगे। तो ऐसे ही भी आपको करना है, क्योंकि माउस से आपको ना ऊपर नीचे से स्क्रॉल करोगे ना तो उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा समय जा रहा है केवल एक क्वेश्चन के पीछे। इसीलिए आपको भी यही करना होगा, एक साथ कम से कम पैसेज का 2 से 3 क्वेश्चंस पढ़ लेना, तब जाके करो, क्योंकि बार बार आपको एक एक क्वेश्चंस के लिए स्विच करना होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेव एंड नेक्स्ट, फिर आप दोबारा से पैसेज पढ़ो, तो इसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। और वैसे भी आपको 150 मिनट मिलते हैं और पेपर बहुत लेंदी आता है। अब आपको एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो इसलिए पैसेज में अपना समय बचाओ, लास्ट में पैसेज मत करना, मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पैसेज छोड़ देते हैं। पैसेज एक ऐसा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है और इंग्लिश जिसमें फ्री के नंबर होते हैं, तो पैसेज को कोशिश करो पहले करने की। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी, सेव एंड नेक्स्ट करके 3-4 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद से सॉल्व कर लो। 2-3 ग्रामर ही आता है, और पैसेज हिंदी का पैसेज कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको थंबनेल भी मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि जिसमें आप बहुत कम समय में एक बार पढ़ के पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिलेगा, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा भी, उसको पसंद किया है, आप वो जरूर देखिएगा। दूसरी चीज कि लास्ट में आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू। इस देखो मार्क फॉर रिव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि देखो मार्क फॉर रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि आपने चार ऑप्शंस में से एक भी आंसर आपने सेलेक्ट नहीं किया है और आपने मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गए, तो वो तो काउंट ही नहीं होगा ना। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसके बाद से मार्क फॉर रिव्यू करो, और अगर आपने लास्ट में उस क्वेश्चंस को नहीं देखा तो भी वो आपका काउंट होगा, ओके? तो जिसमें भी डाउट हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करना, बट आंसर सेलेक्ट करके। दूसरी चीज, पेडागोजी में 90 मार्क्स आते हैं, सीडीपी का 30, बाकी 15-15। सीडीपी इसलिए मैंने 30 काउंट किया है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे 90 कहां से, सीडीपी भी हमारा जो है पेडागोजी ही है, क्योंकि वहां पर आपको सब पेडागोजी देखने को मिलेगा। उसमें कम से कम कोशिश करो 80 नंबर लेकर आने की, 80 या 85, और वो आराम से आ सकता है अगर आपको आपने मल्टीपल रिवीजन किया होगा, मल्टीपल प्रैक्टिस की होगी टैग वर्ड के साथ। टैग वर्ड के साथ जिसका भी सीडीपी बहुत वीक था या पेडागोजी बहुत वीक था, वो खुद कमेंट करते हैं कि अब उनकी पेडागोजी अच्छी हो गई है, ओनली फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ टैग वर्ड्स, तो उसका आपको यूज करना है। अब देखिए मैथ्स का है, मैथ्स में कैसे नंबर लेकर आए, मैथ्स कमजोर है या चाहे जैसा भी हो, फिर भी आप आराम से मैथ्स में 15 से 20 लेकर आ सकते हो। मैथ्स में 15 नंबर के पैडागोजी और 5 या 6 नंबर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भी उसमें मिल जाएगा। और वो कहां से मिलेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेंगे। ऑनलाइन वाले सारे पेपर कर डालो, और ऑनलाइन पेपर जिसने कर लिया है एक बार दोबारा से अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम कब है, देन आपके पास कोई भी समय नहीं होगा, ओके? तो ये आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैथ्स का। दूसरी चीज, सीडीपी है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये 3 थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि केवल ये सीडीपी में नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब में पूछा जाएगा। और ये मैंने अपने नोट से पढ़ाया हुआ है, आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
दूसरा हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, चाहे संस्कृत हो। पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही दिन पेपर होगा, तो पेपर टू वाले जो हैं या पेपर वन वाले, आप जो है दोनों पेपर ही करना, एक पेपर के भरोसे मत जाना, क्योंकि दोनों पेपर की जिसने प्रैक्टिस की होगी ना तो उसको बहुत आराम से कर सकता है। दूसरी चीज कि इसमें यह है कि देखो समय बहुत कम रहेगा, और एग्जामिनेशन हॉल आपको पता ही कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम, ऐसा लगता है कि समय ही नहीं है, तो उस चक्कर में इजी क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा समय देना है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आपको कम समय देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस हम हमेशा अक्सर गलत कर देते हैं, तो आपको एक सेकंड का पॉज करना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि जल्दीबाजी में हमारे इजी क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जाते हैं, फिर बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि आते हुए भी गलती हो गई। इसीलिए इजी क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा समय देना है। ज्यादा समय का मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट लगा रहे हो, मतलब थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ और ध्यान से पढ़ो, एक से दो बार पढ़ो तभी करो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे कम समय इसलिए देना है क्योंकि आप चाहे कितना भी समय दे लें, आपका आंसर आपको पता तो है नहीं ना, तो आप अपने टैग वर्ड्स और अपने ट्रिक्स अप्लाई कीजिए, वो तो सेकेंड का काम है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आपको कम समय देना है ट्रिक और टैग वर्ड के साथ। दूसरी चीज, ऑनलाइन पेपर पूरा करने के बाद अगर आपके पास आधा घंटा बच रहा है या 10 मिनट भी बच रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, सारे मार्क फॉर रिव्यू वाले आंसर एक बार रिचेक करो, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, उस टाइम पे हमको उसका आंसर नहीं आता है, नहीं पता होता है, और लास्ट में जब आप उसको मार्क फॉर रिव्यू को चेक करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर पता हो, ऐसा लगता है कि यस हाँ ये हो सकता है, तो उसमें आपका बेनिफिट है, आपको नंबर जो है सही मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और सीटेड ऑनलाइन एग्जाम में आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको बता दूंगी, तो पूरा वीडियो देखिए एंड स्टार्टिंग से लास्ट तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे मैं सारे पीडीएफ सेंड करती हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर टैग वर्ड्स, हिंदी के पैसेज, अपने नोट्स भी मैं शेयर करती हूँ, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज लिख देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, और आप सब प्रैक्टिस कीजिए, आप सभी का सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।